여러분 안녕하십니까? Hello everyone. दोस्तों ये 2022 BTS और आर्मी दोनों के लिए ही काफी इंटरेस्टिंग रही, जहां हमें ढेर सारे सरप्राइजेस भी देखने को मिले, साथ ही न जाने कितने शॉक भी दिए गए, जिसमें BTS जिनकी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने की मिस्ट्री तो ईयर एंड होते होते सॉल्व हो गई, लेकिन एक मिस्ट्री अभी भी बाकी है जो सॉल्व नहीं हो पाई है, और इस मिस्ट्री ने न सिर्फ आर्मी बल्कि ब्लिंक्स को भी सबसे ज्यादा परेशान किया। तो जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं वी और जेनी के डेटिंग रूमर की बात कर रही हूँ, और अब ऐसा लगता है कि आर्मी और ब्लिंक के साथ साथ वी और जेनी भी इस डेटिंग रूमर से परेशान हो गए हैं। इसलिए इस 2022 के जाते जाते ब्लैकपिंक जेनी ने इस मिस्ट्री को ही सॉल्व करना सही समझा। इसलिए जेनी ने न सिर्फ इस डेटिंग रूमर पर रिएक्ट किया बल्कि मीडिया के लिए एक मैसेज भी दिया, जिसे मैं आपके साथ शेयर करूं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे BTS की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों आप में से हमारे काफी दोस्त सोचते होंगे कि वी और जेनी अगर डेट नहीं कर रहे तो वो मीडिया में आकर इस पर कोई रिएक्ट क्यों नहीं करते। तो फाइनली हाइब लेबल्स ऑफ YG एंटरटेनमेंट के बाद अब जेनी ने सीधे आकर मीडिया को रिप्लाई दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि जेनी ने अब मीडिया को रिप्लाई देकर इस रूमर को बंद कर दिया है। अगर यकीन नहीं होता तो इस पिक्चर को देखिए। तो देखा दोस्तों, जेनी ने अपने बोल्ड अंदाज में सीधे सीधे आर्मी और ब्लिंक से कह दिया है कि डोंट ट्रस्ट द मीडिया। तो अब मुझे लगता है कि गुरुमी हरिवो और गठबंधन कराने वाली आंटी जी की दुकान पर ताला लग गया होगा, क्योंकि अब तो जेनी ने भी कह दिया है कि मीडिया में आ रहे इन रूमर्स पर ट्रस्ट मत करिए। और दोस्तों ये तो मैं आपसे लगातार कहती ही आ रही हूँ कि इन रूमर्स पर ट्रस्ट मत करिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि डेटिंग रूमर के बंद होने के बाद जल्दी एक न्यू रूमर क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि ये हेटर्स इतनी आसानी से तो चुप बैठने वाले हैं नहीं, यानी अभी किसी और BTS मेंबर के गठबंधन की तैयारी करने लग जाएंगे, जिसके लिए हम सब तैयार रहेंगे और हमेशा की ही तरह अपने मोस्ट लविंग बॉयज को सपोर्ट करते रहेंगे। दोस्तों अगर आप BTS को दिल से सपोर्ट करते हो तो BTS के लिए सिर्फ एक ही सही लेकिन पॉजिटिव मैसेज कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेओ।